सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल हंटर गेमिंग। आज वीडियो में हम कुछ ऑसम हैक को ट्राई करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के, और ये बहुत बढ़िया बढ़िया हैक होने वाले हैं। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक करने के बाद आप नीचे कमेंट पे भी ये लिख देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे को अगर आपको और वीडियोस चाहिए इसके ऊपर तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं और बना दूंगा। तो सबसे पहले हैक में हमें पिस्टन चाहिए, स्टिकी पिस्टन, और ये ऐसे ऐसे जैसे मैं ब्लॉक वो कर रहा हूँ ना, छेद जैसे मतलब गड्ढे कर रहा हूँ वैसे ही करना है आपको, जैसे डर्ट हटा रहा हूँ जैसे वैसे हटाना है आपको। और हमें स्लाइम ब्लॉक चाहिए, और वुड ब्लॉक कोई सा भी ब्लॉक ले सकते हो वुड ब्लॉक जगह, और रेडस्टोन और रेडस्टोन रिपीटर, और एक बटन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वो लगा दिया है, और सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया ब्लॉक। तो इसमें मैं पूरा पिस्टन लगाना है आपको, ये जहाँ पे डर्ट हटाया हमने वहाँ पे पूरा पिस्टन लगाना है। तो यहाँ पे मेरे को वो चाहिए डर्ट चाहिए ताकि मैं यहाँ पे फिल कर सकूँ। डर्ट को फिल कर देते हैं क्योंकि बेकार लगेगा। तो थोड़ी बहुत गलतियाँ दिख सकती है आपको मेरी वीडियो में, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। और तो यहाँ पे मैंने यहाँ तक तो कर दिया, अब दूसरी साइड देखते हैं। यहाँ पे भी मेरे को डर्ट लगाना पड़ेगा, डर्ट लगा दो। तो यहाँ पे इसमें और छेद कर लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के। तो यहाँ पे भी पिस्टन लगा देते हैं, स्टिकी पिस्टन। और हाँ, ये याद रखना कि स्टिकी पिस्टन ही लगाना है आपको, अगर नॉर्मल पिस्टन लगाओगे तब ये काम नहीं करेगा। और ये बहुत बढ़िया हैक होने वाला है। अगर आप अच्छा वर्ल्ड बना रहे हो तो उसमें आपको डेकोरेशन के लिए एक चीज़ चाहिए जो अच्छी लगे, तो ये बहुत काम आ सकती है, आप देखना जरूर, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और हल्का फुल्का बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर आपको उसी स्टिकी पिस्टन के ऊपर स्लाइम ब्लॉक लगाना है, ऐसे जैसे मैंने लगाया है। तो अब इसके बाद आता है काम, मेन काम जो है हमारा ब्लॉक लगाना। तो मैं ब्लॉक पहले रेल वो सॉरी माइनकार्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और रेल की भी। शायद कुछ लोग तो समझ भी गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो देखते रहो अगर आपको समझ नहीं आया तो, और जिनको समझ आ गया वो भी देख लो और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और रेल वाला ये रहा, रेल मैंने ले ली। और मैं इस चैनल पे गेम प्ले वीडियोस डालता रहता हूँ, और गेमों के रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ मैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो। तो ऐसे इसके ऊपर स्लाइम ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक लगाना है आपको, हर पूरे स्लाइम ब्लॉक पे सॉरी स्लाइम ब्लॉक पे पूरे हर जगह ब्लॉक लगाना है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है। तो अब रेल लगानी है, सॉरी मैं थोड़ा बहुत वो अटक रहा था। तो यहाँ पे रेल लगा दो अच्छे से हर जगह। तो यहाँ पे उसके ऊपर माइनकार्ट लगा देना है, तो ये सब आपको पता ही होगा। तो मैंने यहाँ पे पूरा रेल अच्छे से लगा दिया, मैं माइनकार्ट लगा रहा हूँ। तो ये माइनकार्ट लगा दिया मैंने अच्छे से। तो माइनकार्ट लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे वो करना, इसको तोड़ना है, जो ब्लॉक है ना नीचे वाले ब्लॉक है इनको तोड़ना है। ये मैंने गलती से एक लगा दिया था, इन सबको तोड़ना है आपको, सारों को ध्यान से तोड़ना। और ये ध्यान रखना कि आप रेल के पास ना जाओ, ये मतलब कार्ट के पास ना जाओ, नहीं तो ये हल्का सा भी फिसलेगा तो उस साइड चला जाएगा। देखो जैसे वो मेरा चला गया ना, तो मैंने उसे ठीक कर दिया। तो ये ध्यान रखना आप, ये मेन चीज़ है। और जो साइडों में ये माइन कार्ट है ना, इसको हटा लेना, और ये हटा देता हूँ मैं। तो ये गाय भी घूम रही है यहाँ पर, चलो इसको छोड़ो। ये सामने एक और है, इसको भी हटा दो जल्दी से। तो इसे मैंने हटा दिया, और ये हमें अब रिपीटर लगाना है। और ये ध्यान रखना कि ये जो एरो है ना रिपीटर का, ये जिस तरफ है ना उसी तरफ रखना, जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूँ ना आगे की तरफ, तो ये आगे की तरफ होना चाहिए सामने की तरफ, ये ध्यान रखना रिपीटर का एरो। और आप देख लो मैं कैसे रिपीटर लगा रहा हूँ, वैसे ही लगा लेना आप। और यहाँ पर भी एक रिपीटर लगा देता हूँ आगे। तो ये देखो जैसे मैंने टेढ़ा होकर लगाया तो ये गलत लग गया, अब ऐसे ही लगाऊँगा तो तब सही लगेगा। देखो ये सही लगाना, ऐसे ही आपको भी लगाना है। और उसके बीच में रेडस्टोन लगा देना, अब रेडस्टोन पूरे अच्छे से लगाना और ध्यान से लगाना। और वैसे रेडस्टोन तो आराम से लगा लोगे आप, बस रिपीटर का ध्यान देना और माइनकार्ट के पास मत जाना, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये यहाँ पे लग चुका है। और ये देखो गाय पल्ली जाके बैठ गई, मूरत यानी पल्ली जाके बैठ गए साहब जी। और यहाँ पे रेडस्टोन यहाँ पे यहाँ तक ऐसी खींच के ले आओ, और बटन ले लो, और बटन यहाँ पे लगा लेना। तो रात होने लगी है, चलो कोई नहीं, मैं इसको पहले टेस्ट करके देखता हूँ, फिर दिन कर दूँगा मैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे बटन लगा दिया मैंने। अब मेन काम आता है, सो गाइस देखो, बूम गाइस ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, बटन दबाते ही ये पूरा मस्त माइंड कार्ट वाला बन गया और गाय पूरे मजे ले लिया झूल लेके, चलो कोई नहीं। और ये पूरा सर्वाइवल वर्ल्ड में ना आपका जो घर है उसके पास बनाओगे ना बहुत अच्छा लगेगा ये। तो मैंने ये दिन कर दिया तो दिन में आपको और साफ दिखेगा। तो एक और बार बटन दबा दो तो ये देखो गाइस कितना बढ़िया लग रहा है, मेरे को तो बहुत पसंद आया ये हैक। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट हैक में हमें चाहिए ये एक सॉरी ब्रिक वुड ब्रिक जो भी है, क्या कहते हैं इसे, मेरे को याद नहीं आ रहा इसका नाम, आप कोई सा भी ले सकते हो आपकी मर्जी है वो। और हम एक डोर बनाने वाले हैं, बहुत बढ़िया डोर है और देखते रहना पूरा मस्त डोर है। और ये भी लगा दी मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को वो लगाना पड़ेगा क्या कहते जिससे पोशन बनाते हैं तीरों का, वो क्या नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, उसका नाम भूल गया मैं उसका। तो आप मैं अभी लगाऊंगा तो देख लेना, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ, आप भी स्ट्रक्चर देखते रहो कैसे तैयार कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ा पीछे करके एक वो डोर टाइप बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक लगा देता हूँ वो ब्लॉक, एक और यहाँ पे भी लगा दो, ये गलत लगा दिया मैंने, इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये इतना सही लग रहा है मेरे को, तो यहाँ पे साइड में दीवार खड़ी कर देते हैं इसकी। और ये ध्यान रखना इक्वल रखना आप इसे, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगी बनाते वक्त। तो मैंने इसे इक्वल रखा है पूरा, आप देख सकते हो जैसे। और भी अगर आपको हैक चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं और हैक ले आऊँगा आपके लिए। तो यहाँ पे और कर देते हैं, और लगा देते हैं ब्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने ब्रिक लगा दिया, तो यहाँ पे अब ये साइड में हाँ यहाँ पे सही कर रहा हूँ, मेरे को लगा मैंने उल्टा लगा दिया। ये ऊपर वाला मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, इसको तोड़ देते हैं ऊपर वाली लेयर। तो ये पूरा हर जगह से तोड़ना पड़ेगा ऊपर वाली लेयर, ये ज़्यादा ऊपर होगी नहीं तो पिस्टन लगाने में दिक्कत होगी, स्टिकी पिस्टन। और तो ये मैंने गलत तोड़ दिया, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगा देते हैं। और इसको भी तोड़ देता हूँ मैं जल्दी से, ये भी तोड़ दिया मैंने। तो अब इसमें हमें लगाना है स्टिकी पिस्टन। पहले पीछे का मैं कवर कर देता हूँ ताकि थोड़ा लगे कि हमने थोड़ा घर टाइप बनाया है। और अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे डायमंड का वो रख दिया चेस्ट, और उसमें डायमंड भरा हुआ है, ठीक है। और आपको किसी मतलब आप लॉक वाला डोर बनाना चाह रहे हो कि आप ही खोल पाओ और किसी को पता नहीं चले ये डोर कैसे खुलेगा, ये वो वाला डोर बना रहे हैं हम। तो देखना बड़े ध्यान से देखना, बड़ा मस्त डोर है। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लॉक्स लगा दिए हैं, तो यहाँ पे ये लगाना है, देख सकते हो आप, कोल्ड्रॉन ऐसी कुछ नाम है इसका। और यहाँ पे मेरे को रिपीटर विद टॉर्च चाहिए, रेड रिपीटर विद टॉर्च चाहिए मेरे को, यहाँ पे ले लिया मैंने ये, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है वाटर बकेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें पानी भरना होता है जैसे कि आपको पता होगा ऐसे, हाँ ऐसे पानी भरना है हमने इसमें। और अब आएगा रेडस्टोन टॉर्च का काम, रेडस्टोन रिपीटर विद टॉर्च जो भी कहते हैं उसे। हाँ यहाँ पे लगाना है हमने, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ये। तो अब हमें रेडस्टोन लगाने हैं, तो रेडस्टोन यहाँ पे ऐसे लगेंगे, और ये इससे कनेक्ट हो गया, इसको तोड़ना पड़ेगा, मैं इसको तोड़ देता हूँ अभी, इसका तो काम है नहीं, ये तो करके दिखा दिया मैंने आपको। तो आपको दोबारा देखना है तो आप पीछे जाके देख सकते हो वीडियो में। तो यहाँ पे और भी रेडस्टोन लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे रिपीटर लगाना पड़ेगा एक, मेरे को रिपीटर भी लगा देते हैं। हाँ ऐसे रिपीटर लगाना है आपको, और यहाँ से आपको ब्लॉक तोड़ लेने हैं, जो हमने ब्लॉक लगाए थे उसको तोड़ लेना है, देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पे रेडस्टोन लगा के फिर एक और रिपीटर लगाना है, उस तरफ मूव होना चाहिए इसका। और यहाँ पे एक ब्लॉक वो पिस्टन लगा दो, ये मैंने गलत लगा दिया, उसका मुँह उस तरफ होना चाहिए। तो देखो मैं कैसे लगाता हूँ, यहाँ ऐसे होना चाहिए, पर ये थोड़ा पीछे लग गया, इसको आगे करके लगाना पड़ेगा। अरे यार सही से लग जा, थोड़ा नीचे होके करना पड़ेगा, ये फिर से गलत लग गया मेरे को, नीचे होना, हाँ अब लगेगा, हाँ अब लगा, पर ये पीछे लग गया दोबारा, इसको सही से करना पड़ेगा, नहीं हाँ नीचे होके अब लगेगा, थोड़ा पीछे हो जाऊँ मैं, हाँ अब लगा ना, अब लगाया सही से। और उसी के ऊपर एक और लगा देना आपको, तो पहले मैं यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दूँ ताकि इससे कनेक्ट होकर ये एक्टिव हो जाए। हाँ ये ऐसे एक्टिवेट हो जाएगा, और स्टिकी पिस्टन ही यूज़ होएगा इसमें भी, ये ध्यान रखना, नॉर्मल पिस्टन नहीं होगा, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप पहले से खेल रहे हो, अगर नए प्लेयर हो तो आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे
अब यहाँ से रेडस्टोन लेके जाना है हमें, रेडस्टोन की तार बिछानी है पूरे अच्छे से। तो ये देख सकते हो मैं जैसे बिछा रहा हूँ वैसे ही बिछानी है। तो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे रिपीटर लगाऊंगा एक मैं, सॉरी ये क्या वो, अरे मैंने ये क्या कर दिया, इसको यहाँ पे दोबारा सही करो। तो ये हाँ ये अब लगेगा सही से, हाँ अब होएगा, ये फिर से नहीं एक्टिव हुआ। अच्छा हाँ यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ ना मैं, ठीक है ठीक है, वो मैंने उस टाइम गलत कर दिया था, चलो कोई नहीं। तो ऐसे ही आपको तार बिछानी है और बीच बीच में रिपीटर लगाते जाना जैसे मैं लगा रहा हूँ, और उसका मुंह उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ आप तार लेके जा रहे हो, रिपीटर का मुंह उस तरफ होना चाहिए, ये ध्यान रखना बस आप। तो यहाँ पे लगाते जाओ, या आप रेडस्टोन अंडरग्राउंड भी कर सकते हो, नीचे की तरफ से लेके जा सकते हो, और यहाँ पे से बस मेरे को वो तोड़ना पड़ेगा ब्लॉक। यहाँ पे एक और रिपीटर लगा दो और यहाँ पे ब्लॉक तोड़ दो, दो ब्लॉक तोड़ने हैं। और चलो यहाँ पे एक और रिपीटर लगाते हैं, ना रिपीटर ये जाम हो गया, इसको छोड़ो, यहाँ पे रेडस्टोन से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे एक और हमें दो और पिस्टन लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, ये सही से लग गया पहली बार में ही, पर ये पीछे लग गया दोबारा, इसको थोड़ा आगे करके लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लग गया, ये सही से लग गया, ये हमें एक और लगाना है बस इसके ऊपर, फिर हमारा काम बन जाएगा। हाँ एक और लग गया, ये सही से लग गया इस बार। तो हमें बस अब इसको कनेक्ट करना है रेडस्टोन से, और ये अब इसको रेडस्टोन ले लो और उस पर लगा दो, ये कनेक्ट हो चुका है और दोनों काम कर रहे हैं, देख सकते हो आप दोनों काम कर सकते हैं। अब ये एक्टिवेट हो चुका है, अब ये वर्क करेगा। देखो अब मैं कैसे कर रहा हूँ, इसमें से पानी निकाला और बूम गाइस, देखो ये गेट खुल चुका है। और मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, इसमें दोबारा पानी डाल के दिखाता हूँ आपको, ये वाटर बकेट ले लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको, ये वाटर डाला, ये फिर से बंद हो गया, और ये पानी निकाला, ये खुल गया, ये काम करता है, ये टिकटॉक हैक, सॉरी टिकटॉक हैक कह रहा है, ये ऑसम हैक काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वाला हैक पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना, और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। अब नेक्स्ट हैक में आपको ऐसे एक वो बना लेना, ऊपर एक सरफेस है जैसे स्काई ब्लॉक में होता है वैसे ही बना लेना, जैसे देख सकते हो मैंने कैसे बनाया। और यहाँ पे आपको ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लास लगा लेना अच्छे से, तो जैसे मैं ग्लास लगा रहा हूँ ना आपको भी वैसे ही लगाना है। तो ये यहाँ पे लगा दो, और यहाँ पे भी, यहाँ पे अच्छे से, और ऐसे ही लगाना जैसे मैं लगा रहा हूँ, गलती मत कर देना कोई, इसे तोड़ दो, इसकी कोई नीड नहीं है, बस हमने इधर लगाना था इसके लिए हमने यहाँ पे लगाया था। तो यहाँ पे भी वो लगा दो, और यहाँ पे बस एक ऊपर की तरफ आएगा, पहले मैं डिस्पेंसर लगा देता हूँ, डिस्पेंसर का मुंह उस तरफ होना चाहिए, मैंने इस तरफ कर दिया गलती से। तो डिस्पेंसर का मुंह इस तरफ आएगा जैसे देख सकते हो, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। तो हाँ ऐसे होना चाहिए डिस्पेंसर का मुंह, और उसके बाद हमें यहाँ पे पानी डालना है, और नीचे से कवर कर देना, कहीं नीचे खुला छोड़ दो तो नीचे पानी फिर नीचे चला जाएगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे हमें एक रेडस्टोन का ब्लॉक लगाना है, पहले मैं इसका ऊपर से बंद कर देता हूँ, तो ये ऊपर से बंद कर देते हैं पहले ताकि वो अपना अच्छा सा लगे। तो ये बंद हो चुका है, और यहाँ पे इस कोने में लगाना है हमने रेडस्टोन ब्लॉक। और हाँ मेरी इस चैनल पे माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज़ भी चल रही है, अगर आपको वो देखनी है तो आप वो देख सकते हो, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये रहा, हाँ यहाँ पे रेडस्टोन रिपीटर विद सॉरी रेडस्टोन रिपीटर विद टॉर्च लगा लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे रेडस्टोन लगाने हैं जैसे मैं लगा रहा हूँ ना वैसे ही आपको लगाना है, ये ध्यान रखना। और अच्छे से ये रेडस्टोन का काम, वो रेडस्टोन अगर आप अच्छे से लगाओगे ना तो आपका वर्क कर जाएगा ये। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया था उधर, गलत हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ से इस तरफ से आप रेडस्टोन को खींच सकते हो, तो यहाँ से रेडस्टोन आ जाएगा। तो ये मैं लगा देता हूँ, ये क्या हो रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक ही नहीं हो रहा, अच्छा अब होएगा, वो मैं गलत कर रहा था उस टाइम। तो यहाँ पर आ गया ये इधर से, और ये हाँ अब हुआ ना, इसके अंदर बस हमें वो एग रखना है, फिश एग, जो फिश हो गए ना उसका एग, जैसे ये वाला एग है जो, इसको मैंने इसके अंदर रख दिया। और यहाँ पे मैंने गलती लगा दिया था इससे, हाँ अब कनेक्ट हुआ ये। तो अब देख सकते हो आप जैसे कि एक फिश कैसे आ गई बाहर, मैंने एक्टिवेट तो किया नहीं अभी, ऐसा लगेगा आपको दिखने में, फिनिश होने अभी स्टार्ट करेंगे अभी, इसे हमने स्टार्ट नहीं किया, तो स्टार्ट होने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको क्या होएगा इसमें। तो और ये 1 2 3 स्टार्ट, अब देख सकते हो आप यहाँ पे पूरे फिश स्पॉन होने लग गया, देख सकते हो आप 1 2
1 2 3 बूम गाइस, देख सकते हो आप कितना बढ़िया लग रहा है पूरा, एक बहुत बढ़िया था ये हैक भी। और अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और मेरे को कमेंट करना मत भूलना कि आपको इस टॉपिक के ऊपर और वीडियोस चाहिए या नहीं, और मैं ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके